students, how are you all? I hope you all are very well at your home. Today my subject is English 1 in Standard 3rd. Welcome to my class. Standard 3rd में हम revision कर रहे हैं. Unit number 3, Little by Little. तो Little by Little में हमने कहाँ तक complete कर लिया था? तो top time है ना आपका जो point. वो poem है, वो भी हमने learn कर ली थी. Reading is fun भी हो गया था, talk time भी हो गया था. उसमें हमने देखा था कि एक happy tree था और एक sad tree था. तो happy tree हमें क्या क्या देता है उसके बारे में हमने discussion किया था. और हम trees को क्या देते हैं कि trees हमें देता है सब कुछ, देखकर भी वो कैसा रहता है, happy रहता है. जबकि हम trees को जो देते हैं उसकी वजह से trees है वो क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ट्री का हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, उसको हार्म नहीं करना चाहिए, है ना. ट्रीज को कट भी नहीं करना चाहिए और वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, है ना. तो आगे है लेट्स राइट. लेट्स राइट में आपको क्या करना है कि लुक एट द पिक्चर वन. हमने हैप्पी पिक्चर वन था वो कैसा था, हैप्पी ट्री. एट पिक्चर टू हमने ड्रॉ किया था वो कैसा था, सैड ट्री था, है ना. तो पिक्चर वन में आप देखिए तो राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन बोथ द ट्रीज गिव अस. पिक्चर वन में जो ट्री है वो कैसा है, हैप्पी ट्री है. तो आपको थ्री सेंटेंस लिखने हैं जिससे हमें पता चल सके कि ट्रीज हमें क्या क्या गिव करता है, ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं, है ना. सो लेट्स राइट. पिक्चर ही देखो, पिक्चर में ही दिख रहा है कि ट्रीज हमें क्या क्या गिव करते हैं. तो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है पिक्चर में, तो मेडिसिन है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सेट देते हैं. बर्ड्स को भी रहने के लिए नेस्ट है वो कहाँ पे बनाते हैं, ट्रीज में. तो बर्ड्स के हाउस भी ट्रीज है वो देते हैं, उनको सेल्टर देते हैं बर्ड्स को. एनिमल्स को भी सेल्टर देते हैं, है ना. तो ये सब कुछ है वो ट्रीज हमें देते हैं. और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो हमें प्योर एयर देते हैं, है ना. तो हम ब्रेथ इन कर सके, प्योर एयर है वो हम सांस में ले सके, इसीलिए वो हवा को जो एयर होती है उसको प्योर करते हैं. हम हवा के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन होता है ना, धूल होती है, मिट्टी होती है, तो वो सब कुछ है वो ट्रीज है उसको प्योर कर देते हैं. और जिससे हम जो एयर है हम ब्रेथ इन करते हैं उसमें हम प्योर एयर पा सके, है ना. तो पहले है द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रेथ.
फर्नीचर और वो सब बहुत सारे थिंग्स है वो उसमें से बना सकते हैं। तो दे गिव अस वैल्यूएबल टिम्बर। तो हमने ये तो देखा कि ट्रीज हमें क्या क्या गिव करता है, लेकिन हम ट्रीज को कैसे हार्म करते हैं वो भी हमें सोचना चाहिए, है ना। तो जो नेक्स्ट है पेज नंबर 25 पे क्या है कि नाउ लुक एट पिक्चर टू। अब जो पिक्चर टू है उसको देखो, ये ट्री बहुत सैड है क्योंकि हम ट्री को बहुत ही हार्म करते हैं, है ना। तो राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज, कि हम ट्रीज को कैसे हार्म करते हैं उसके बारे में आपको थ्री सेंटेंस लिखने हैं। तो सबसे पहले है वो हम कैसे हार्म करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रीज को कट करके हमारे खुद की नीड के लिए, हमारी जरूरत के लिए हम ट्रीज को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। सबसे पहला वो पॉइंट है। फिर सेकंडली क्या है कि ट्रीज, हमने पहले ही देखा कि ट्रीज हमें प्योर एयर देता है, फ्रेश एयर देते हैं, है ना। तो अगर हम ट्रीज को ही कट कर देंगे तो जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा ही बढ़ जाएगा, तो हम पॉल्यूशन को बढ़ा देंगे बाय डिस्ट्रॉइंग द ट्रीज। ट्रीज को डिस्ट्रॉय करके, ट्रीज का नाश करके हम पॉल्यूशन में भी बढ़ावा कर देंगे। फिर हम, अगर आपको पता ही है कि हम जैसे हाउस में रहते हैं जैसे, वैसे बर्ड्स भी हाउस है, अपना नेस्ट है वो कहाँ पे बनाते हैं, ट्रीज पे बनाते हैं। इसलिए ट्रीज है वो बहुत से बर्ड्स का, एनिमल्स का होम है। अगर आपका होम कोई तोड़ दे तो आप क्या करोगे, आप कहाँ पे रहोगे। तो अगर हम ट्रीज को ही काट देंगे तो ट्रीज के अंदर जितने भी नेस्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बर्ड्स को और एनिमल्स को भी नुकसान होगा, है ना। तो इतना सारा नुकसान एक ट्रीज हम काटने से होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज जितने अगर जरूरत है तो ट्रीज काटते हैं तो उससे डबल ट्रीज हमें ग्रो भी करने चाहिए, है ना। जितने ट्रीज काट करते हैं उससे डबल ट्रीज हम ग्रो करेंगे तो लेवल है वो बराबर हो जाएगा, जिससे बर्ड्स को भी रहने के लिए हाउस होम मिल जाएगा, एयर भी फ्रेश रहेगी, है ना, और हमारी जो नीड है वो भी पूरी हो पाएगी, है ना। तो लेट्स पहले हम जो थ्री सेंटेंस है कि हम ट्रीज को कैसे हार्म करते हैं वो लिखते हैं। तो वी कट वुड फ्रॉम ट्रीज, हाँ।
हम क्या कर रहे हैं, कोज पोल्यूशन, पोल्यूशन को कारण बन रहे हैं, है ना। पोल्यूशन बढ़ जाएगा इसकी वजह से। फिर थर्ड पॉइंट है, बर्ड्स और एनिमल्स वाला लिख सकते हैं कि वी फोर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स अभी आपको नेक्स्ट है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो वर्ड्स कौन से हैं? तो ये जो वर्ड्स दिए हैं, स्टेम, बार्क, लीव्स, ब्रांच, ट्विग्स, रूट एंड शूट। तो ये जो सभी वर्ड्स है वो ट्री को डिस्क्राइब करते हैं कि ट्रीज किसको बोलते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड्स दिए गए हैं। तो ये वर्ड्स को आपको राइट देम इन द गिवन स्पेस। तो वो जो वर्ड्स है उसको क्या क्या डिस्क्राइब, ट्रीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो वर्ड को आपको लिखना है, उसके उसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है, जिससे हमें पता चल सके कि ये ट्री का कौन सा पार्ट है, या तो फिर ट्री को किस तरह से डिस्क्राइब करता है ना। तो फर्स्ट दिस राइट देम इन द गिवन स्पेस, तो पहला है वो स्टेम। तो वो क्या करता है, तो वो इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड अपराइट, अपराइट खड़े रहने के लिए, ट्री को स्टैंड करने के लिए ये जो पार्ट है वो बहुत ही जरूरी होता है ना। तो ये जो पार्ट है वो ट्री को स्ट्रेट खड़े रहने के लिए, अपराइट खड़े रहने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है इट हेल्प्स बोलते हैं। लीव्स है वो लीफ का प्लूरल फॉर्म होता है, तो
सभी ट्रीज में लीव्स है वो होते ही है, बहुत सारे लीव्स होते हैं, है ना। तो लीव्स का काम क्या होता है कि जो ये ग्रीन लीव्स होते हैं वो सनलाइट होता है, वहाँ उस सनलाइट की मदद से वो ट्रीज के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। तो पूरे ट्री को अच्छे से उसका ग्रो अप हो सके, इसीलिए जैसे हमें हमारा ग्रो अप करने के लिए खाना खाना पड़ता है ना, वैसे ट्रीज भी ग्रो करते हैं ना। तो ट्रीज को अच्छे से ग्रो कर पाए इसके लिए उसको उसको फूड की जरूरत होती है। तो ये जो फूड है वो कौन प्रिपेयर करता है? जो लीव्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो लीव्स है इसीलिए खाना प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए लीव्स को ट्री का किचन भी बोला जाता है, है ना। हमारा खाना कहाँ पे बनता है? किचन में बनता है ना। तो ट्रीज का किचन कौन सा होता है? लीव्स होते हैं, क्योंकि लीव्स है वो ट्रीज के लिए क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। इसलिए तो लीव्स में हम क्या कर बोलेंगे कि ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द, जो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं प्रिपेयर फूड फॉर द ट्रीज। जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो फूड सॉरी ट्रीज के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, पहले ये ट्री है वो लिख लो। अभी नेक्स्ट वर्ड है ब्रांच। तो ब्रांच यानी क्या होता है? तो ब्रांच यानी हम हिंदी में बोले तो जो डाल होती है ट्रीज की उसको हम ब्रांच बोलेंगे। तो जैसे हमारे ऐसे आर्म्स होते हैं तो वो ट्रीज के आर्म जैसे जो पार्ट होता है जिसके ऊपर लीव्स उगते हैं ना, जिसके ऊपर लीव्स आते हैं और लंबे लंबे आर्म्स जैसे जो पार्ट ट्री के होते हैं, अगर ट्री के ब्रांच ही ना हो तो ट्री कैसा लगेगा? ऐसे खंभे जैसा हो जाएगा, है ना। तो अगर ट्री को अच्छे से ऐसा वाइड होना है, फैल कर खिलना है, तो उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी? ऐसे जो ब्रांच होती है वो ब्रांच की जरूरत पड़ेगी। ब्रांच के ऊपर क्या होता है? ऐसे लीव्स होते हैं, तो ऐसे पूरे लीव्स से पूरा ट्रीज है वो ब्रांच की वजह से ऐसे वाइड होकर रह पाता है ना। तो ब्रांच यानी क्या होता है? आर्म्स जैसे पार्ट जो ट्री लीव्स को बियर करते हैं।
बैठी है वो क्या हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। रूट्स की वजह से वो, रूट्स से वो जमीन को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से ट्री है वो खड़ा रह सकता है, गिरता नहीं है। ओके, फास्ट,
ऑपोजिट होगा बी यानी बड़ा, स्लेंडर यानी पतला, तो पतले का ऑपोजिट क्या होगा मोटा है ना, हेड। माइट यानी पावरफुल, तो उसका ऑपोजिट होगा वीक।